मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम साइड में आ जाओ विक्रम सर बनाने वाले की साइड से बना लो नानी ये कास्ट हो जाएगा जो वहां भारत माता की जय ये हमारे भैनोई थे और 9th कुमाऊं रेजिमेंट में ये हवलदार की पोस्ट पर थे जिनकी पोस्टिंग अरुणाचल बॉमडिला में थी और 3 साल इनके पूरे होने वाले थे। अप्रैल में इनके रिटायरमेंट था और जनवरी में छुट्टी आने वाले थे और वहीं पर ये शहीद हो गए। इन्होंने अपनी शहादत दी, देश के नाम अपनी ज़िंदगी कुर्बान करी। काशी पग के लाल मुकेश जी आज देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं सबसे पहले अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। और इतना बड़ा संकट परिवार पे आया है, भगवान इस परिवार को हिम्मत दे, साहस दे ताकि इसे दुख की घड़ी से वो निकल सके। मैं अपने मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ आया हूँ। मैं परिवार को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शहीद परिवार के साथ हर कदम पर सरकार उनके साथ खड़ी है। देखिए, आज शहीद मुकेश कुमार देश के लिए, देश की रक्षा में अपने उन्होंने प्राणों की आहुति दी है, उन्होंने बलिदान दिया है और हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करना चाहते हैं। देश की सीमाओं पर हमारे देश के लाल ने, हमारे देश के युवाओं ने देश को की सुरक्षा के लिए हमेशा बलिदान दिया है, इतिहास गवाह है। आज मुकेश कुमार भी उसी श्रेणी में आते हैं, वो दिवंगत हो चुके हैं और हमेशा हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता दी है, आर्थिक सहायता दी है, मदद दी है। इनकी मृत्यु का कोई मोल नहीं है, लेकिन जो एक सरकार का लक्ष्य है कि शहीदों के परिवारों को आर्थिक रूप से मदद दी जाए, सरकार पूरी मदद करेगी। जो हमारे उनको भी नौकरी भी, उनके परिवार के किसी परिजन को या उस परिवार को नौकरी भी देगी, ये हमारा हमेशा रहा है। और आज भी हम कह सकते हैं कि मुकेश कुमार के परिवारों की देखरेख करना, उनकी देखभाल करना हमारी सरकार का दायित्व है और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।